वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मॉर्निंग हो गई है और अभी हम जाने वाले हैं थोड़ी देर में खंडीसौर देवता को नहाने के लिए। मेरे साथ है भैया जी, ये हमारे गांव के भैया, और ये है अपना भाई, छोटा भाई जैसे ये। तो चलते हैं अब। और जैसे यहाँ क्या होता है कि जैसे कहीं जहाँ भी देवता आता है उसके बाद जो खाने पीने की व्यवस्था है सब इन्हीं के गाँव वालों की रहती है, चार चार करके लेके जाते हैं लोगों के घर में, और फिर खाने की व्यवस्था करते हैं लोगों की और सोने की भी। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था इन लोगों ने, काफ़ी अच्छा लगा। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कैसे कैसे होता है, नीचे जाके दिखाऊंगा मैं आपको पूरी वीडियो में। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं गंगा जी में, और ये देख सकते हैं आप, ये जो है पीछे पूरा पहले छाम मार्केट थी, ये पूरी जो भी दिख रही है सब छाम मार्केट थी जो कि डूब गई थी जब बहुत बाढ़ आई थी। तो ये है नीचे गंगा जी, और देवता भी चला गया है नीचे नहाने के लिए, वो देख सकते हैं आप उधर। तो अब जाते हैं नीचे, फिर देखते हैं वहाँ पर कैसे कैसा होने वाला है व्यू। तो देवता को नहाने के बाद यहाँ पर सब लोग स्नान करते हैं गंगा जी में शाम में। चल तो मैं आ रहा हूँ, एक बंदा तब आएगा ना, पहले तू जा। अभी जाते हुए नवीन नहाने के लिए, जा भाई। जा रहे हैं स्नान करने के लिए, हम बाजार से पहले जो कि डूब गई है, जाते देवता जो है ऊपर खंडीसौर की मार्केट में पहुंच गया है, देख सकते हैं आप। अब जा रहे हैं ऊपर खाना खाने के लिए, भंडारे का आयोजन किया है इन लोगों ने। तो चलते हैं भंडारा खा के देखते हैं कैसा बनाया आज। मुझे कि यहाँ पर गढ़वाल में ऐसे बनाया जाता है, बड़ा भी देख रहे हैं आप, ऐसे भट्टू बोलते हैं, इसमें बनाई जाती है दाल, राजमा की दाल और चावल। जय देवता नागराज की। तो ये है पंदोगी का नागराज देवता, क्योंकि अभी दो चार गांव में और में जाएगा, उसके बाद फिर वापस चले जाएगा अपने मंदिर में। उसके बाद अगले साल फिर आएगा, हर साल आता है, आज इस बार थोड़ा सा लेट हो गया, अदरवाइज़ ये अप्रैल में आता है गंगा दशहरा से पहले। तो ये है मेरा गांव मंजरवाल। तो फाइनली पहुंच गया मैं अपने घर, ये पीछे आप देख रहे हैं ये ताई जी लोगों का घर है, और ये वाला पीछे
ये चाची जी लोगों का है। तो और जो हमारा है घर वो है ये हमारा घर है। तो आइए आपको अंदर लेके चलते हैं, दिखाते हैं अंदर से अपना घर। ये है हमारा घर, देख सकते हैं आप मेरे पापा की फोटो। ये हूँ मैं। ये देख सकते हैं कमरा, एक कमरा है, ये दादा दादी है। ये है किचन। तो जब भी घर वाले आते हैं तो इधर ही रुकते हैं रात को। और देख सकते हैं आप, और एक और रह गया है, भी वो दिखाता हूँ आपको। ये हमारा मंदिर, गांव का मंदिर, ये देखो। ये हमारे गांव की दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है। ये हमारे लाला जी है, वो ले गया मैंगो दुकान है। तो यहीं से जो भी है सामान वगैरह जाता है, ये वाला जी हमारे। तो बहुत पहले आया करते थे हम लोग, 4 साल बाद तो मैं ही आ रहा हूँ गाँव। ये देखिए आप, नाश्ता पानी हो करने जा रहा हूँ मैं, अभी फ्रेश हुआ, नहाया धोया थोड़ा, पूजा की। तो अब नाश्ता करते हैं। तो नाश्ता जो है वो ताऊ जी ने बनाया नाश्ता। ये है हमारे ताऊ जी। तो ताऊ जी यहाँ नाश्ता बना रहे हैं और रोटी बनाई इन्होंने अभी। तो अब बैठ के नाश्ता करते हैं। तो गाइस मैं अभी पहुंचा हूं अपने नाना जी के गांव। ये देख सकते हैं आप, ये है बंसीउल मेरे नाना जी का गांव। तो यहीं जा रहा हूं मैं अभी। तो नाना जी तो हमारे साथ है देहरादून में, बट मामा जी लोग इधर ही रहते हैं, मामा जी का पूरा परिवार। तो जाते हैं यहां पर और मिलाते हैं आपको मामी जी लोगों से। तो ये है मेरे मामा जी का घर, देख सकते हो कितना गाँव है। ये छोटी सी लड़की बैठी है वहाँ पर, देखो ये देखो, हाय करो। ये मामू जी घर, ये है मेरी छोटी बुल्ली। और तो मामा जी के यहाँ आया था मैं आज, थोड़ा 2-4 घंटे रहूँगा यहाँ पर, फिर जाते हैं वापस पंदोगी और उसके बाद सुबह निकलूँगा देहरादून के लिए। एक छोटा भी है यहाँ पर, एक राम भगवान की कॉपी, ये देखो। ओए ये देखो, हाय करो, हेलो। निकलते हैं वापस घर के लिए। ये देखो मौसम, वहाँ पीछे देखिए कितना अच्छा व्यू है, यहीं से जाऊंगा इसी रूट से। तो निकलते हैं अब घर के लिए, 1-2 दिन रह गए गांव में। आज थोड़ा काम भी है देहरादून में, तो जाना ज़रूरी है। पहुंचता हूँ 12-1 बजे तक घर। तो गाइज मैं ज्वारना पहुंचने वाला हूं, और यहां से जब मेरे गांव के लिए जाते हैं, जो कि मैन खाल होके जो बाज़ार पड़ता है, यहां से जो ये जो रोड देख रहे हैं आप नीचे वाला, ये 7.5 किलोमीटर जो है ऐसे ऑफ रोड है। बहुत ही दिक्कत होगी अगर आप फर्स्ट टाइम आएंगे यहाँ पर, तो ऑफ रोड है पूरा रास्ता 7.5 किलोमीटर तक। उसके बाद फिर आपको रोड सही मिल जाएगा, जैसे ये रोड देख रहे हैं आप पीछे, ऐसा रोड मिल जाएगा। तो जब भी कभी इस रास्ते से आएँ तो थोड़ा सा माइंड को बिल्कुल सेट करके आएँ कि 7.5 किलोमीटर जो है आपका रफ होने वाला है, ऑफ रोड होने वाला है। तो बी सेफ एंड कीप राइडिंग।
तो देखिए अभी मैं मसूरी से नीचे आ गया हूँ। देखो आप कितना फॉग हो रहा है, इधर कुछ नहीं दिख रहा है, आगे ब्लाइंड है बिल्कुल रोड। तो आप भी अगर इस टाइम आए तो थोड़ा ध्यान रख के आए, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा फॉग हो रखा है, देख सकते हैं आप। अभी मैं आपको रोड दिखाता हूँ कि रोड की क्या हाल है। ये देखिए बिल्कुल ब्लाइंड है एकदम, कुछ नहीं दिख रहा आगे। तो हॉर्न बजाते हुए चलें और हज़ार्ड लाइट को ऑन रखें, ताकि क्या है कि आगे से भी कोई आ रहा हो तो उसको भी पता लगे कि कोई है, मतलब दूसरी साइड से आ रहा है। क्योंकि यहाँ जो बाहर अदर स्टेट से लोग आते हैं, वो लोग बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते, और जिसके कारण यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। तो आप जब भी आएँ तो इस चीज़ का ध्यान रखें, हज़ार्ड लाइट हमेशा ऑन रखिए, जैसे मैंने रखी है, देख सकते हैं आप।